पानी मारे से दूर रह छोरी कोई है इस डॉक्टर को बुलाइए देखिए इनकी बहुत तबीयत खराब हो रही है कोई सुन सकता है मुझे रितिका कोई प्लीज डॉक्टर को भेजिए या मेडिसिन भेजिए प्लीज जाने दो क्यों थक रही हो कोई ना सुनेगा रितिका बहुत खांसी हो रही है पानी पी लीजिए लीजिए मंदिर से दूर रह छोरी बिना डॉक्टर के कैसे रहेंगे आपको इतनी खांसी है मैडम जी गरीब आदमी के पास जीने के बड़े तरीके हुए सर जब मारी तबीयत बड़ी बिगड़ जाती थी तो मैं और मारी लुगाई बैठ के प्यार भरी बातें किया करते थे और जब बातें करते करते दिल और दिमाग प्यार से बढ़ जाता था तो खांसी से दिमाग अपने आप बढ़ जाता आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं ना घना प्यार और मारी लो भाई खेतों में एक साथ काम किया करते थे बड़ी मेहनत करते थे और एक दिन मारी लो भाई की तबीयत खराब होगी दवा दारू के लिए पैसे थे नहीं तो अपनी जमीन गिरवी रखवा दी जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो बोली कि वो जमीन उसे वापस चाहिए पैसे तो थे नहीं फिर भी गया मैं जमींदार के पास और बोला कि मारी जमीन मैंने वापस कर दो तो बोला ले ले पर मारे को जाने ना दिया पैसे के बदले उसने मने गिरवी रख लिया मैंने अपनी लुगाई के चेहरे पे खुशी तो देख ली पर अब उसकी शक्ल ना देख सकता मैं समझ सकती हूँ आप समझते अब भी यहां प्यार की खातिर आए हो मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूं इस आदमी ने मुझे यहां पे रखा हुआ है उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरे पति का इलाज कराएंगे इस शर्त पे कि मुझे लाइफ के बदले लाइफ चाहिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसी शर्त क्यों रखी है बट मुझे सिर्फ अपना रणवीर ठीक चाहिए सही सलामत चाहिए और उसकी सलामती के लिए मैं पूरी जिंदगी यहाँ पर रह सकती हूँ तो तेरे मर्द का इलाज हो रहा है उसका ऑपरेशन हो चुका है कल उसकी पट्टियां भी खुल जाएंगी मेरा रणवीर बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा आपको पता है बहुत सुंदर है मेरा रणवीर सबसे सुंदर और कल उसे अपना चेहरा भी वापस मिल जाएगा तो तेरा अपने मर्द को देखने का मन तो करता होगा पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है वो जेल में थे इन लोगों ने मुझे बोला कि जेल से निकलने के बाद उसका वो इलाज कराएंगे उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ और बस ये पता है कि कल उनकी पट्टियां खुल रही
और वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसी शर्त में मैं यहाँ पे रह रही हूँ। जब तुझे पता है कि तेरे मर्द का इलाज हो गया तो आप यहाँ क्यों रुके हो? वहां क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाती अपने मर्द को देखना कि इलाज के बाद वो कैसा दिखता होगा? के पता इलाज के बाद वो और भी सुंदर हो। के भाई ऐसे प्यार का जिसे प्यार करते हो उसे बिना देख सको यार, होगी तो सिर्फ खबरें मिलेंगी, भाग जाओगी तो अपने मर्द से मिल सकोगी। मैं खुद अपनी लड़ाई को देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आज यहाँ से भाग जाऊंगा। मेरी लुगाई मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या फायदा ऐसे प्यार का कि जिससे प्यार करते उसे देख भी नहीं सको? मैं तो कहता हूँ मेरे साथ तू भी भाग ले चोरी। ने कहा था कि वो आदमी इतना खतरनाक है, मैं रणवीर की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। मैं नहीं जाऊंगी। जब तक इन लोग का नहीं पता चलेगा तब तक तो अपने मर्द के पास होगी। दोनों साथ में होंगे तो किसकी मजाल कोई कुछ कर सके? प्यार में घनी ताकत हो। वैसे पहले तूने अपने मर्द की रक्षा करी, अब तेरा मर्द तेरी रक्षा करे। एक बार सोच के देख, यारेगी तो एक ना एक दिन मारी जाएगी, यहाँ से भागेगी तो अपने मर्द से मिल सकेगी। ये लोग मुझे मार सकते हैं? मैंने ऐसी कहानियां सुनी है कि ये आदमी एक खास मुहूर्त देखता है, उसके बाद फिर किसी एक की बलि दे देता है। बड़ा निर्दयी आदमी है, वरना क्यों बेवजह दो प्यार करने वालों को जुदा करेगा? मैं हरियाणे का हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे कुछ लोग अंधविश्वास में जीवे हैं। जब वक्त आएगा तो हम दोनों की बलि देने में टीम ना लगावेंगे। इतना मत सोच, अपने मर्द से प्यार करती है तो भाग चल मारे साथ, भागने में आसानी होगी। मेरे साथ भागेगी तो एक दूसरे की मदद करेंगे तो पकड़े भी ना जाएंगे। मन में पास टाइम को ना। वो औरत अभी तक आई ना, इसका मतलब वो हमें देख ना रही। जिंदगी ने हमें एक मौका दिया है, अब टीम आ गया है प्यार को मौका देने का। मन में पता से यहां से भागना आसान होगा। थोड़ी इतना थोड़ी जल्दी आ। मन जब ये लोग मार रहे थे ना तब मन ही मिला था, तो मैंने सोचा ये काम आवेगा, इसलिए मैंने अपने कपड़ों के नीचे छुपा लिया। इब काम आवेगा। मैं खिड़की खोलता हूँ, तू यहीं खड़ी हो जा। हिलियो मत, कैमरे में कुछ ना दिखेगा। अगर किसी ने देख लिया तो हम पकड़े गए तो क्या होगा? छोरी डरती क्यों है? छह महीने काटने की हिम्मत से अपने प्यार से मिलने की कोई हिम्मत ना है तेरे में? प्यार में घनी ताकत हो वैसे, और उस सारा अपने प्यार पे बोल, भागेगी? बोल जल्द कर। बहुत बढ़िया, ये आखिरी मौका है भागने का, इसे गंवाना मत। इसके बाद भागने का मौका ना मिलेगा। मैडम जी क्यों चिल्ला लग रहे हो? कहां गए वो दोनों? कहां है? पढ़ने के बेरा मैडम जी। तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता? मैं दो मिनट के लिए बाहर जाता हूं, तुम लोगों ने अब वो उन्हें नहीं छोड़ेगा।
खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उन्हें। चलो ना, उन्हें दोनों को भागने चाहिए यहाँ से। नहीं शान, तुम हर बार नहीं जीत सकते। इस इलाके का चप्पा चप्पा मैं जानता हूँ। उस तरफ जंगल है, वहां चले गए ना तो हमें कोई पकड़ ना पाएगा। चल भागते जल्दी। लगता है जंगल की तरफ भागे, वहीं धर लेते। चलो बच्चा ना देख चोरी, रफ्तार कम हो जाएगी। हम बड़ी आगे निकला है, वो पकड़ ना पाएंगे हमें। जल्दी चल चोरी, जल्दी आ चोरी। मुझे लगता है हम गलती करें, अभी भी टाइम है, हमें वापस चले जाना चाहिए। दिमाग खराब हो गया सर, उन लोगों ने अभी तक पता चल गया होगा कि हम भाग लिए। वापस गए तो वो लोग हमें गोली मार देंगे। मैंने उनसे वादा किया था कि अगर वो रणवीर को ठीक करेंगे मैं उन्हीं के पास रहूंगी। अगर उन्हें रणवीर को कुछ कर दिया तो बावड़ी हो गई है उनसे। नहीं, जो अपने मर्द से वादा किया वो याद रख। जब तुम दोनों साथ में हो गए तो कोई कुछ ना उखाड़ सकेगा। चल वापस भाग, जल्दी जल्दी। दोनों उधर देखो, हम उधर देखते हैं। चलो चोरी, तू इस तरह भाग, मैं इस तरह भागता हूं। जल्दी तू लड़के ने पकड़ो और मैं लड़के ने पकड़ता हूं। तू तब गया काम से। क्या मतलब है नहीं मिली? कहां चली गई इतनी सी देर में? ये तुम लोगों का इलाका है ना, उसे इस इलाके के बारे में कुछ नहीं पता। छुपेगी वो? जी वो जवाब नहीं चाहिए मुझे, मुझे निशानी चाहिए। जाओ ढूंढो उसे। तेजपाल, तुम और तुम्हारे ये आदमी किसी काम के नहीं है।
और मैडम जी हमने भैरव सिंह को धर लिया है। तो क्या मेडल दूं तुम्हें? मुझे ईशानी चाहिए। अब उसे क्या जवाब दूं? अगर ईशानी नहीं मिली तो वो हार्वी को मार देगा। तुम अब तक यहाँ खड़े हो, जाओ ढूंढो उसे। रणवीर को कुछ मत करना, मैं कहीं नहीं गई। थोड़ी देर के लिए भाग गई थी, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे रणवीर को देखना था और कुछ नहीं। फिर मैंने रियलाइज किया कि रणवीर सिर्फ तुम्हारी वजह से ठीक हो पाए, और अगर मैं भाग गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं वापस आ गई। वो जो इसके साथ भाग गया था उस भगोड़े को यहाँ लेकर आओ। मुझे सबक सिखाना है इसे। सुना नहीं तुमने? जाओ। मैडम जी उसकी हालत ठीक ना से, हमने मार मार के उसे अधमरा कर दिया। सांसें तो चल रही है ना उसकी, जाओ और लेकर आओ। ठीक सर। चलो वापस आने का डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि जो इस इलाके से बाहर जाता है वो इस दुनिया से भी चला जाता है। की पॉलिसी लाइफ के बदले लाइफ। जानवर हो तुम लोग, जानवर। क्यों तो प्यार करने वालों को मिलने नहीं देते हो? क्यों करते हो प्यार से इतना नफरत? जिसका तो क्रैप ये प्यार इश्क मोहब्बत सबका भाषण देना बंद करो। और ये अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, तो इस तरह भाग के नहीं जाता, यहीं रहता उसकी खुशी के लिए। अब जाके इसकी लाश को ठिकाने लगाओ। लोगों के लिए तो ये पहले से ही मर चुका है, लेकिन इसकी बॉडी को ऐसी जगह ठिकाने लगाना कि यहां रहते हुए लोगों को भी उसकी कभी याद ना आए। लेकर जाओ इसने।